गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10। नाउ आई एम स्टार्टिंग न्यू टॉपिक दैट इज व्हाट इज मीन्ट बाय कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। बहुत बच्चे कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड में कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्ट्रांग एसिड ही कंसंट्रेटेड एसिड होता है और वीक एसिड ही डाइल्यूट एसिड होता है। ऐसा नहीं है। स्ट्रांग एसिड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो जाते हैं वाटर में। जो वाटर में जब वो डिजॉल्व करते हैं तो कम्प्लीटली उनका डिसोसिएशन हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाते हैं वो। उनमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब कंडक्टिविटी रहती है, मोर रिएक्टिव होते हैं स्ट्रांग एसिड्स। और वीक एसिड्स जो होते हैं वो उस दिन हम बताए हैं इसको कि उनका पार्शियली डिसोसिएशन होता है वीक एसिड का। वो स्ट्रांग एसिड से लेसर रिएक्टिव होते हैं, लेसर कंडक्टिविटी होती है उसमें। और उसमें एक चीज वो क्यों इस तरह से होता है, तो जैसे CH3COOH है, ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड है। और HCl जो है ये स्ट्रांग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये टूटता है इस तरह से CH एसीटेट आयन में ये टूटता है, CH3CO- और H+, ये वीक एसिड कहलाता है, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ये है, एसिटिक एसिड है और ये एसीटेट आयन है, ठीक है, ये एसीटेट आयन। और ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन। ऐसा होता क्यों सो बता रहे, HCl स्ट्रांग एसिड है, ये जब टूटता है तो ये H+ और H+ और Cl- में ये टूटता है, ठीक है, ये डिसोसिएशन कम्प्लीटली हो गया। ये H+ हाइड्रोजन आयन बना, ये एक क्लोरीन आयन बना, इसको क्लोराइड बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो एरो दिया है ये रिवर्स हो जाता है, इसको छोड़ देने से ये फिर मॉलिक्यूल ये एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में आ जाता है, कन्वर्ट कर जाता है छोड़ देने से, इसलिए ये क्या हो गया, वीक एसिड होता है। और ये स्ट्रांग एसिड इसलिए होता है क्योंकि ये फिर कन्वर्ट नहीं करता। देखता होगा यहाँ पे रिवर्सेबल का आगे बताएंगे एसिड के प्रॉपर्टीज में ये साइन रहता है। अब हम लोग कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ये होता क्या है डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। हम लोग स्कूल में, स्कूल के लैब में हम लोग इस सबको बनाते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कैसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रांग एसिड है अगर HCl है और यहाँ पे एसिटिक एसिड है, अगर एसिटिक एसिड है CH3COOH है, तो ये क्या हो गया, ये वीक एसिड है, इसको ध्यान से देखना, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, स्ट्रांग एसिड है। इसका हमको ये कंसंट्रेटेड एसिड, ये अब इसका कंसंट्रेटेड कैसे बनाएंगे, इसका डाइल्यूट कैसे बनाएंगे सो बता रहे हैं। अब देखो ये एसिड है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है। और यहाँ पे अगर इतना वाटर है, ठीक है, वाटर इसमें इतना है दोनों में, अगर इसमें एसिड का जो एसिड जो एसिड का गैस जो इसमें डिजॉल्व है, एसिडिक गैसेस जो इसमें रहते हैं वाटर में, अगर इतना है, इतना अमाउंट एसिड का है और इसमें इतना अमाउंट है एसिड का, कम अगर अमाउंट रहेगा तो ये डाइल्यूट एसिड होगा, किसका, स्ट्रांग एसिड का होगा। अगर HCl की मात्रा इसमें कम होगी तो ये डाइल्यूट होगा, अगर वाटर ज़्यादा है एसिड कम है तो डाइल्यूट एसिड, अगर एसिड ज़्यादा है और वाटर की मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड एसिड किसका हो गया, ये स्ट्रांग एसिड का हो गया। अब ये यहाँ पे इसका भी हम लोग स्ट्रांग, ये जो वीक एसिड है हमारा, और वीक और डाइल्यूट में तुम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। डाइल्यूट जो होता है, डाइल्यूट में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिड की मात्रा कम होती है, कंसंट्रेटेड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी का मात्रा कम होता है। और दूसरा हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, कि व्हाई इज द कंसंट्रेटेड एसिड एडेड इन टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन एसिड फ्रॉम कंसंट्रेटेड एसिड। अब हम लोग इसको डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग को
एसिड है, HCl है, इसको कॉन्क है, अगर ये कॉन्क को हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इसको हम लोग को डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, पहले हम लोग वाटर ले लेंगे, वाटर में एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, एसिड को HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, न कि ये एसिड में वाटर को डालेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंसनट्रेटेड एसिड में जब हम लोग वाटर को डालेंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे दिया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड और ए बेस पार्टिकुलरली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? उसमें से हीट इवॉल्व होता है, हीट निकलता है, जिस कारण से जो अगर एसिड में अगर पानी डालेगा तो वहाँ जो पर्सन जो डाल रहे हैं उनको हो सकता है कि बर्न हो जाए, मतलब उससे बहुत एक्सेसिव लोकल हीटिंग में इवन ब्रेक द ग्लास कंटेनर एंड दिस में कॉज स्पर्टिंग ऑफ द हॉट एसिड सॉल्यूशन एंड हार्म द पर्सन। वो जो पर्सन है उसको भी जलने उलने का खतरा रहता है। दैट इज वाई कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिज आर डाइल्यूटेड बाई स्लोली एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेस इन टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टायरिंग। उसको धीरे धीरे हिलाते रहना और ड्रॉप बाई ड्रॉप वाटर डालते, ड्रॉप बाई ड्रॉप एसिड या बेस डालते जाना है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ 2.1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एसिड्स एंड बेसिज इन द कैटेगरीज ऑफ वीक एंड स्ट्रांग। इसको देख लो, ये स्ट्रांग एसिड में क्या क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पे HClO4 है। अभी वीक एसिड्स है HCN है, CH3COH है, H3PO4 है। स्ट्रांग बेस है NaOH, NH वीक बेस है NH4OH, CaOH2। ये इसको देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी टेस्ट तो उसको बताए हुए हैं, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।